हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में छोटे से इन्फॉर्मेशन नहीं हुई है, जैसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये है हमारा आज का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, हमने लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी सारे लॉज को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप एक एक लॉज का डिस्क्रिप्शन चाहते हैं कि कौन से लॉज कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आप जाके डिटेल देख सकते हैं। एंड फर्स्ट लॉ में मैंने बेसिस बता रखे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर सारे वीडियोस देखिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के। कुछ लॉज पहले हम देखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। हमने देखा था जो हमारा लॉ होता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। हम कैसे किसी पॉजिटिव को नेगेटिव में कर सकते हैं एंड नेगेटिव को पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका यस yes, अगर ए का पावर माइनस एन है देन ये हो जाएगा ए का पावर ए अपॉन, ठीक है, स्टूडेंट हो गई। देन सेकंड में वन अपॉन ए है अगर, तो इसका आप इनवर्स कह सकते हो, ये हो जाएगा ए का पावर माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका ये एक्सपोनेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो आप इसे न्यूमिनेटर में पॉजिटिव के पावर के साथ लिख सकते हो। एंड ए का पावर जीरो इज इक्वल टू वन, इसे कहते हैं जीरो का एक्सपोनेंट। एंड देन प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर सेम बेसिस होंगे तो पावर्स एड हो जाएंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, अगर सेम बेसिस होंगे एंड वो डिविजन के फॉर्म में होंगे तो हमारे पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगेन पावर ऑफ पावर रूल, ये हमारा क्या कहता है कि अगर किसी भी बेस के ऊपर कोई पावर लगा है एंड अगेन वह नेक्स्ट पावर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो हम दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन। देन सेवेंथ, सेवेंथ में हमने क्या देखा था कि अगर ए इंटू बी है, दो डिफरेंट नंबर्स, दो डिफरेंट बेसिस हैं, और अगर इन पे सेम पावर लगी हुई है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ए का पावर एम मल्टीप्लाई बी का पावर एम, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एंड एट, एट में हमने क्या देखा था, ये सिमिलर है सेवेंथ के, डिफरेंस के है, ये मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ पे डिविजन। ओके, तो हम इसे क्लियरली न्यूमरेटर को डिफरेंट तरीके से तोड़ सकते हैं एंड डिनोमिनेटर को अलग, ठीक है। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले इन लॉज को समझ लीजिए ना, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं किसमें कौन सा लॉ बता के क्वेश्चन कर रही हूँ, आप किसमें, ठीक है। वो बेसिक कंसेप्ट है, तो आपको ये लॉज देखने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चन को इजिली कर सकते, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं आगे की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। ऐसे मैंने क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है और बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है, तो प्लीज आप इसे छोड़ के मत जाइएगा, इस वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये बेसिकली आपकी बुक्स के ही है, ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आएगा, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमने क्या देखा, इसमें लिखा हुआ है माइनस फाइव का पावर टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव का पावर माइनस थ्री। तो अगर आपको ध्यान होगा, मैंने जो आपको लॉ बताया, अगर आपने देखा हो तो आपको पता है, ये देखिए ये जो बेस है माइनस फाइव है एंड अगेन यहाँ माइनस फाइव है, तो आप क्या देख रहे हो, ये एम हो गया, ये एन हो गया, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ लग रहा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या लग रहा है कि ए का पावर एम मल्टीप्लाई ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम प्लस, ठीक है, ये इसी कंसेप्ट से, ठीक है, ये जो लॉ है हम इसे करने को, तो आप इसे लंबे मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि आप इसे टू टाइम्स खोलिए, इसे भी थ्री टाइम्स खोलिए वन अपॉन करके, बट वो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लॉज का यूज करते हैं ताकि हम शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को फटाफट कर सके, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने देखा बेसिस क्या है, माइनस फाइव है, तो हमने ए की जगह क्या रखा, माइनस फाइव, एंड देन एम प्लस एन, एम आपका क्या है टू, एंड देन प्लस थिंग लगाया और क्या लिखा माइनस थ्री। अब बताइए क्या आ जाएगा, हमने लिखा माइनस फाइव एंड हम लिखा टू का माइनस थ्री, हमें क्या मिल गया माइनस फाइव का पावर माइनस वन एंड हमें यहाँ पे मिल गया वन अपॉन माइनस, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये आप समझ लो कि मैंने कैसे लिखा, जब भी किसी नेगेटिव आपका पावर है इसे जब पॉजिटिव में करना होता है तो एज इट इज इसे डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है एंड पावर से नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है, इस तरह। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या क्या कहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बेसिस है ए एंड देन ए, ये सेम बेसिस है एंड अगेन ये सिमिलर है, फर्स्ट क्वेश्चन के एकदम सिमिलर है, तो हम इसे फटाफट कर लेते हैं। हमने लिखा 1/2, ठीक है, हम यहाँ पे सीधे से लिख सकते हैं कि यूजिंग दिस लॉ, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि यूजिंग दिस लॉ वी आर गोइंग टू राइट दिस, ठीक है। हमने क्या देखा, यहाँ एम है एंड देन एन है, तो एम प्लस एन, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका जाएगा 1/2 एंड देन -3 देन -2, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, -1/2 देन -5, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे पावर कैसा लगा है, नेगेटिव लगा है, आप इसे खोल नहीं सकते हो, आप इसे कैसे करोगे, इसका रेसिप्रोकल। और मैंने आपको बताया था कि जब ये रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है, लाइक अगर ये पी बाई क्यू होता है एंड नेगेटिव एन होता है, हम इसे लिख सकते हैं क्यू बाई पी एंड पॉजिटिव। ये सारे मैंने आपको रूल्स ऑलरेडी सब बता रहे, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में आकर जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 है, अब हम इसे लिख सकते हैं बहुत ही इजली, अगर आपको ये पता है तो आप इसे लिखते हैं 2 का पावर -5 है प्लस, आपका आंसर कितना आ गया, 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझना होगा 2 का पावर 5 का मीन्स क्या हुआ, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कभी भी 2 5 से 10 मत कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली बच्चों से यही मिस्टेक होती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 5 टाइम्स करना, आपको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 16 to the 32, ठीक है, आपने इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये पूरा बेसिक है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको एकदम बेसिक है, अभी तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या, इसमें भी हमें वही करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहला हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये बेस ए है, इस पे पावर मान लीजिए एन या फिर एम कुछ भी, एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बी, डिफरेंट बेस है एंड पावर सेम है, तो हमारा कौन सा लॉ लग रहा है, सेम पावर्स है एंड डिफरेंट बेसिस है, हम क्या करते हैं, बेसिस को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई एंड एक्सिस पावर को रखते हैं, ठीक है। तो हमने यही लॉ का यूज किया, ठीक है, यूजिंग लॉ, ठीक है, हमने जब ये लॉ यूज किया, हम इसे फटाफट आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 या मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 है, हमें कुछ नहीं करना, हम इसको सिंपली ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, हमें क्या मिल गया, 2 3 6 एंड पावर 3। अब हम क्या करेंगे, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 नहीं करेंगे, 6 6 13 6 6 6 2 1 आपका आ गया, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, अगेन आप देख रहे होंगे ये आपके यहाँ पे लगा है A का पावर 5 एंड देन B का पावर मान लीजिए 5, मतलब वही एम आप कह सकते हो, अगेन आप देख रहे हो पावर सेम है, बेसिस आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी, तो 4 का पावर 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 एंड होल पावर क्या लिख जाएगा, 5। देन हम देख रहे हैं आप पे क्या है, 5 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका, 4 का पावर 4/6 का पावर 5, ठीक है। अब हम इसे सिंपली एज इट इज लिख सकते हैं, अगर हम इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब भी हम आंसर कर सकते हैं, या फिर हम इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं, अगर आप चौदह से कैलकुलेट कर सकते हो, 4 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 16 16 16 16 हो जाएगा आपका 256 एंड देन अगेन 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यहाँ पे 6 6 36 36 6 216 मल्टीप्लाई 36, आप इसे चाहो तो इस तरह से कर सकते, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यस आपका आंसर आ जाएगा दिस, ठीक है। अब आप इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो 9 6 54 9 5 14 and 13 का 1 9, ओके। अगर आपका स्मॉलर है तो आप इसे यहाँ तक भी लीव कर सकते, अगर आपको बोलते खाली एक्सपेरिमेंट में शो करिए तो आप आंसर को यहाँ तक भी लीव कर सकते हैं, यहाँ तक भी, अदरवाइज आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, इसे भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, ये हमारा ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले मैंने आपको इजी बता दिए ताकि आप उससे आराम से कर सको, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े थोड़े टफ टफ क्वेश्चन, टफ भी नहीं है, अगर आप समझ लोगे तो कुछ भी टफ नहीं, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। हम इसमें क्या समझते हैं, हम क्या लिखा है, 1/4 का पावर -3 एंड देन नेगेटिव साइन है, एंड 1/3 और -3 एंड ये आपका डिवाइड का साइन, ठीक है, ये आपका डिवाइड का साइन और कह रहा है 1/4 का पावर -3। तो हम क्या करें, हमें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा कि पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लीकेशन, नो, ठीक है, यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन के लिए हमें कोई लॉ नहीं पढ़ा, हमारे पास इसमें कोई रास्ते नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम 1/4 जो है इसका पावर 3 है, हम पहले इसे पॉजिटिव 3 कर लेते हैं, नेगेटिव 3 है तो कैसे आ जाएगा, आपको पता है पी बाई क्यू फॉर्म में है, हमें पता है कि अगर पी बाई क्यू के पावर होता है माइनस एन, हम इसे ले सकते हैं क्यू बाई पी का पावर एन, ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसे करते हैं। 1/4 है, हम इसे लिख सकते हैं 4 का पावर 3, ठीक है। अब समझ गए कि मैंने क्यों लिखा, 4 कर दिया एंड पावर को पॉजिटिव कर दिया, देन नेगेटिव साइन लगाया एंड इसको भी लिख दिया 3 का पावर 3। अब हमने लगाया बिग ब्रैकेट, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है और इसको भी हम ऐसे चेंज कर लेते हैं, 1/4 का पावर -2 है, इसे लिख सकते हैं 4 का पावर 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 का पावर 3 है, हमें सो ओपन ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन नहीं, कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है। 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 4 16, 16 4 64 एंड देन 3 का जब क्यूब करेंगे, 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 4 16। अब चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें आगे। अब हम देख रहे हैं 64 माइनस 27 इसमें क्या हुआ, ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ जब माइनस करोगे तो 77 आ जाएगा एंड आपका 3 2 आ जाएगा एंड डिवाइड क्या आएगा 16। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, 37 upon 16। तो अगर आपको ये बात नहीं पता होती, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होता तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती, आप इसे किस तरह ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत ही इजिली इस लॉ के थ्रू हमने ये पता, ठीक है, ये जरूर होता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कन्वर्ट करना है, इजीली, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऐसे हम देख सकते हैं क्या है, 2/3 का पावर -6 एंड मल्टीप्लाई 3/2 का पावर -4। इसे देख के आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम इसमें ऐसा कुछ करें, किसी भी तरह इन बेसिस को क्या हम सेम कर सकते हैं, यस। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे लिख दूँ 3/2 का पावर 6, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे साइड से तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हमने इसे एज इट इज कन्वर्ट कर लिया, कैसे, हमने इसे इसी लॉ के थ्रू किया, पी बाई क्यू था, पावर नेगेटिव एन थी, हमने इसे पॉजिटिव एन कर लिया एंड इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब बताइए, अब जब ये लॉस जब बेसिस सेम है, हमने क्या पढ़ा है, बेसिस सेम होती है तो पावर्स को एड कर देते हैं, पावर्स को एड कर देते, हमारा क्या आ जाएगा 3/2 का पावर 6 -4, जो कि आपका आ जाएगा 3/2 का पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 3/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, पावर 2 लगी हुई है तो क्या आ जाएगा 9/4, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा होगा यहाँ पे हमने कितने लॉज यूज हमने कर लिए, हमने यहाँ पे एक तो ये भी लॉ यूज कर लिया, a का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ठीक है, ये भी हमने लॉ यूज किया और हमने शुरू में ये भी लॉ यूज कर लिया, ठीक है। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम होती करने में, आपने लॉस के थ्रू फटाफट इसे ओपन किया, फटाफट सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन के ओर, यस, अभी थोड़े डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, ये भी आपके लॉस पे ही बेसिस हैं, सारे क्वेश्चन आपके लॉ पे ही बेसिस हैं, बट इसमें आपको थोड़ा सा सोचना क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपका लिखा हुआ है कि a का पावर, ऐसा समझिएगा, अगर लिखा हुआ है a का पावर मान लीजिए 2x कुछ भी एंड देन अगेन लिखा हुआ है a का पावर, ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी बता चुका है कि अगर बेसिस इक्वल हो, ठीक है, और आपस, ठीक है, बेसिस बराबर होना, ठीक है,
एंड वो आपस में इक्वल हो तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंस बेसिस आर इक्वल सो इक्वेटिंग इक्वेटिंग पावर वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि 2x इक्वल टू 4, हम इसे x स्क्वायर निकाल सकते हैं 4 बाई 2 एंड x इक्वल टू 2, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और अगर इसका रेसिप्रोकल हो, मींस अगर आपका बेसिस डिफरेंट हो बट पावर्स इक्वल हो और आपस में इक्वल भी हो, ठीक है, समझिएगा, पावर्स इक्वल हो और आपस में भी इक्वल हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपने किया कि यहाँ पे कर लिया कि 2x का पावर 4 इक्वल टू 10 का पावर 4 ऐसे है। अब आपको फाइंड करना है x, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि सिंस पावर्स आर इक्वल सो इक्वेटिंग, क्या इस बार इक्वेटिंग क्या करेंगे, इस बार इक्वेटिंग करेंगे बेसिस, क्योंकि बेसिस ही तो इक्वल बेसिस तो आपके डिफरेंट हैं, तो क्या जाएगा 2x equal to 10 and we will get x equal to 10 by 2, 5. हमें क्या मिल जाएगा? तो ये आपको पहले समझना है, ये मैंने इसलिए पहले बताया इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो को ना देखा हो तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है, ये बेस है, इसको जब समझेंगे तभी ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ठीक है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में देखा क्या, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ लिखा है 2 बाई 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 5 का पावर माइनस, ठीक है, इतना आपने देख लिया। आपको करना है कि आपको p को फाइंड करना है, यहाँ पे आपका p है छोटा सा बैठा हुआ है, क्या करेंगे भाई, पहले आप देख रहे हो यहाँ पे a का पावर m है मल्टीप्लाई a का पावर n है, ये मैंने कैसे जाना, मैंने जैसे देखा कि दोनों बेसिस इक्वल है तो मैंने दिमाग लगा लिया यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, यहाँ पे लॉ लग रहा है a मल्टीप्लाई m a मल्टीप्लाई n स्क्वायर टू a का पावर m प्लस, मैंने तुरंत ही बात सोची यहाँ पे ये लॉ लग रहा है, ठीक है। अब आप भी करिए, क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखिए 2 का पावर 5 3 प्लस माइनस 6 लिखा, देन इसको एज इट इज अभी रहने दीजिए, इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2 बाई 5 करा क्या हो जाएगा 3 और माइनस 6, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए इस साइड जब आप आओगे 2 बाई 5 का पावर 2p माइनस 3, अब आप ध्यान से अगर देखिए अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर इसको देखिए कि अगर a का पावर 2x होगा और a का पावर है कुछ भी 10 मान लीजिए, तो हमने क्या देखा a a बेसिस सेम तो इक्वेटिंग पावर हमने ये तो करा था, सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपको बोला बेसिस सेम तो ऐसे आप ले सकते हो आप सिंस बेसिस आर सेम सो इक्वेटिंग पावर वी गेट, जैसे हम पावर्स को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टैक्स यहाँ पे मिल जाएगा कि माइनस 3 इक्वल टू 2p माइनस 1, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, फिर हमें क्या मिलेगा माइनस 3 को एज इट इज रहने दीजिए एंड यहाँ ले आइए प्लस 1 इक्वल टू 2p, फिर आपको क्या मिला माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा एंड इक्वल टू 2p, तो आपका p कितना हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज p इक्वल टू माइनस, यही आपका आ जाएगा आंसर p स्क्वायर टू माइनस वन, यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपने देखो को इसको हमने कितना इजीली किया, हमने इसमें दो लॉज का देखा जाता यूज किया, पहले हमने इसमें ये लॉ यूज किया फिर हमने इसमें ये यूज किया, ठीक है, इन दोनों का हमने यूज करते हुए इसे किया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसे आता है कि आपको x की वैल्यूज निकालनी है या फिर कोई भी वेरिएबल दे देगा उसकी वैल्यूज निकालनी है और आपको उसको पहले लॉ से समझना होता है, ठीक है, आपको कैसे करना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा कह सकते हो टिपिकल क्वेश्चन है उसके मुकाबले, उसमें आपको बेसिस सेम दिख रहे थे, इसमें आपको पूछना पड़ेगा, देखिए कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने क्या देखा, आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको इसमें क्या गिवन है, ये गिवन हुआ है, पहले देखिए आप यहाँ क्या लिखा है 125 है और 27 है, यहाँ क्या लिखा है 125 एंड अगेन 27, क्या आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी कि अगर
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या है, ये है पावर आपका, देखा जाए तो यहाँ पे वन ही लगा है, कुछ तो लगा है, नहीं तो वन माना जाएगा। और ये आपका एक्स है और ये आपका 5/3। अगर आप ध्यान से देखो 125 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब होता है, एंड 27 क्या होता है, ये भी होता है 3 का क्यूब। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 5/3 का होल क्यूब। किसको लिखा हमने, लिखा 125/127 को 10। कैसे लिख लिया आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अब रीजन क्या है करने का भाई, अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे हम इक्वेट कर सकेंगे, हमें पावर से इक्वेट करना ना, तभी तो हम एक्स को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यही काम करते हैं। हमने भी आप क्या किया देखिए, हमने इसको लिख दिया 5/3 का पावर 3, कोई नहीं प्रॉब्लम। अगेन हमने इसको भी लिख दिया 5/3 का पावर 3, लेकिन यहाँ एक्स भी है तो एक्स मल्टीप्लाई हो जाए, एंड अब यहाँ आ जाते हैं 5/3 का पावर 18। ठीक है, इतना हमने लिखा। ये लिखने का आपको रीजन बेसिकली समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि हमने लिखा क्यों है। अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर आप देखो अगेन, आप क्या देख रहे हो, बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं बार बार आपको लॉस इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ये लॉस कोई याद नहीं करता है, ये क्वेश्चंस करते हुए आपको याद होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, 5/3 का पावर 3 + 3x, अब यहाँ रखे रखा 5/3 का पावर 18। अब आपको क्या दिख रहा है, अगेन बेसिस आर सेम सो इक्वेटिंग पावर। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे, 3 + 3x = 18 मिला, फिर 3x, x तो निकालना है, 18 - 3, 3x कितना मिला 15, x कितना मिला 15/3, कितने मिल गया 3 × 5 = 15, इट मीन्स आपको मिला x = 5, आपको x क्या मिला, आपको x मिल गया 5 के, यही आपका हो गया है आंसर, खत्म। कुछ नहीं था, बहुत इजी था, इसमें बस आपको सोचने की जरूरत क्या थी, अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते, मान लीजिए आप इसे एज इट इज जोड़ देते 1 + x, तो आप ये सोचिए आपको कोई यूज होता, आपको ये तो दिख रहा था बेसिस सेम है, ठीक है आप लोग लगा सकते थे, पर उसके बाद आपको कोई फायदा होता नहीं, हो पाता ना, क्योंकि आपको यहाँ से आप कैसे कंपैरिजन कर पाते, तो इसीलिए आपको बेसिकली ये तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, कि आपको ये तोड़ना कैसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, तोड़ना आपको पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली आपको तोड़ना कैसे, तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई कमा और माइनस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें एक्स अपॉन वाई तो निकालना पड़ेगा। इससे हमें क्या बता रहा है कि 3/2 है, डिवाइड 3/7 है, 3/7 है एंड आपका पावर 0 है, 3/2 है, डिवाइड दिस है एंड 3/7 है, पावर 0 है। ओके, इसे देखते आपके मन में एक बात तो याद आई होगी कि हमने आपको एक लॉ पढ़ाया था कि a का पावर 0 क्या होता है, 1, मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 है तो वो किसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये देखते आप देखिए 3/7 का पावर 0 क्या होगा, 1, एज इट इज आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्यों लिखा आप समझ रहे होंगे, ठीक है, लिखा क्यों, इसकी वजह से ये जो लॉ है क्या हो गया, 1। अब क्या करा, डिवाइड साइन तो रहेगा, अब बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें पावर करना है पॉजिटिव, हम इसे सब्ट्रैक्ट लिख देंगे 2/3 का पावर 2। ठीक है, अभी मैंने जैसे से पीछे बहुत डीप में एक्सप्लेन कर दिया है क्यों ये होता है, p/q है और पावर आपका नेगेटिव में है तो रेसिप्रोकल के पॉजिटिव। फिर एक्स अपॉन वाई है तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2/3 जो भी है डिवाइड है 1, भाई डिवाइड करोगे 1 से कोई भी चीज तो 1, तो वो तो सेम ही रहेगी नंबर, तो बदलेगा नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो तो आप इसे और एक्सप्लेन करके तो आप इसे मल्टीप्लाई करके 1/1 पे तोड़ भी सकते हो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/3 का पावर 2। इसको आप और अच्छे से लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, क्योंकि आप इसे 2 times एक्सपेंड किए एंड 3 × 3 = 9। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4/9, और आपसे बोला क्या था, इसको यूजिंग करते फाइंड क्या करना है, हमें बोला था कि आपको फाइंड करना है x अपॉन y का पावर -3। तो पहले क्या करिए, x अपॉन y निकाल लिया, रख दीजिए यहीं पे 4/9, अब पावर -3। अब क्या करो भाई, नेगेटिव 3 है, क्या करेंगे, पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 9/4
का पावर 3। जैसे हम ये लिखेंगे फिर हमें पता है 9 का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 7 टू 9 एंड 4 का 3 टाइम, 4 4 जा 16, 16 4 जा 60। आपका आ गया आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, कुछ नहीं टफ था। इसमें हमने अब एक और नया लॉ देखा, हमने क्या लॉ यूज किया, हमने यूज किया a का पावर 0 1। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस रखे ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सारे लॉज को पहचान सको, उसका यूज देख सको, जिससे क्वेश्चंस नहीं यूज कर सको। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब हमें ये इवेलुएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इसका इवेलुएशन करना है। क्या है इसे हम फटाफट देखते हैं, बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन है, देखने में आपको ज्यादा लग रहे होंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले समझते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में क्या बोला, 8 का पावर 0 मल्टीप्लाई 9 का पावर 0। अब देखिए जैसे आपको लॉ पता है 8 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 9 का पावर 0 1। आंसर क्या आ गया, 1 1 1 आंसर आ चुका, बिल्कुल वक्त नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता थी ऑलरेडी, आपको ये बात पता थी ऑलरेडी कि यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका लॉ ही लग रहा है। ठीक है, 8 का पावर 0 क्या होता है 1। आप चाहते हैं पहले लिख लीजिए सिंस 8 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर बी। बी में भी देख लीजिए कुछ नहीं है, y का पावर 4 है होल पावर 0। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे ध्यान समझिएगा, हमने क्या हमने देखा, हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर a हो उसके पावर m हो और होल पावर n हो क्या हो जाता है, a का पावर m n। यहीं पे यहाँ पे यही काम करना है, y लिखा और 4 0 जा 0। अब आप लिखोगे कि y का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ये आपका आ गया। ठीक है, पहले हमने दिखाया कि m into n ना, ये लॉ होता है ना कि जब दो आपस में पावर्स प्रोडक्ट होते हैं तो क्या दे देता है, दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कर लिया तो जीरो आ गया, तो क्या हो गया। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं सी पार्ट को। ठीक है, सी पार्ट को, सी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है आपका 1/3। पहले देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट लगा है, लगा लेते हैं, क्या बोल रहा है, -1/3 का पावर 0 क्या हो जाएगा, सीधे लिख लीजिए 1। अब देखिए नेगेटिव से मतलब नहीं, कुछ भी हो अंदर, ए है बेस है, बस पावर 0 तो 1 ही होना। अब ठीक है, अब प्लस लगाते हैं अगेन, अब क्या है 1/5 का पावर 0 फिर से 1 ही होना, कुछ नहीं अलग होना। डिवाइड, अब क्या है 6 का पावर 0 क्या होना है, 1 ही तो होना है भाई। अब समझिए 1+1 कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा, बहुत अच्छे समझना है, मल्टीप्लाइड साइन लगा लीजिए, 1/1 कर लीजिए, घूम फिर के 2 ही आएगा, आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 1 क्या आता है भाई, 2 ही तो आता है। ठीक है, बस हो गया खत्म, कुछ तब था, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर ये लॉ नहीं पता तो आप सोचते रह जाते करना क्या है। ठीक है, ये लॉ कितना इम्पोर्टेंट है आप देख रहे होंगे। अब आ जाइए डी पार्ट पे। डी पार्ट में क्या करना है, 1 का पावर 0, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 अगेन 1 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड साइन, x का पावर 0 1, y का पावर 0 1। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को सम कर लेंगे भाई, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले बोर्ड मास्टर के अकॉर्डिंग, 1+1+1 कितना आ गया 3 और डिवाइड बाई 2 तो क्या मिल गया, आंसर क्या आ गया 3/2 आ गया। अब देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब एकदम चुटकी वाले क्वेश्चन है, छोटे 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 क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है वो कितने कितने बड़े पावर। ठीक है, लॉस पढ़ा, फटाफट आपने सॉल्व कर बिना किसी वक्त। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। अब समझिएगा, पता है सारे क्वेश्चन ना खाली आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए, ठीक है, कि आपने लॉस को कितना समझा, कितना उसे अप्लाई कर पा रहे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और है क्या दिया हुआ है, 7 का पावर m 343। ओहो, अब हम m कैसे निकालें, m निकालने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको भी पता है ये बात, m कैसे निकलेगा बताइए, अगर बेसिस सेम होंगे तभी तो हम पावर्स को इक्वेट कर पाएंगे। तो बेसिस सेम करने के लिए हमें किसी भी तरह यहाँ भी 7 लाना है, यहाँ भी 7 है, हमें यहाँ भी 7 लाना है। अब हम कैसे लाएं, इसे करने का एक ही रास्ता है, आप क्या करिए, आप ये सोचिए 343 को किस तरह लिख दें कि वो 7 के पावर्स ना आ जाए। नहीं आता है तो क्लियरली सबसे बढ़िया मेथड बचपन वाला जो आता है यही उठाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा करके देखिए क्या आता है। अब ध्यान देंगे तो ये किसी से कट नहीं रहा है, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, प्राइम नंबर उठाते हैं, प्राइम नंबर देख लीजिए 2 से जा रहा है ना, 3 से जा रहा है ना, क्योंकि जब एडिशन करोगे डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करेगा।
फिर हम आते हैं सेवन पे, सेवन से ट्राई करते हैं। सेवन फोर जो 28, सेवन फाइव जो 31, तो फोर डाले जाते हैं, 28 किया, क्या बचा यहाँ पे 6, सेवन नाइन जो 63, फिर हम ले गए सेवन सेवन जो 49, फिर हम ले गए सेवन वन जो 7। ओ हमने क्या देखा भाई, हम इसे तो लिख सकते हैं ना, हम 343 को क्लियरली लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 3। हम 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 3। अब देखिए हमें यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चली, जैसे हमें ये पता चली, अब हम इसको उठा के तुरंत यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं 7 का पावर, हम ऐसे रहने दो, इससे लिख दो 7 का पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो बदला नहीं तुमने, क्वेश्चन तो वही रखा। अब ध्यान से देखो, अब आप लिख सकते हो क्या, सिंस, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहे थे, सिंस बेसिस आर सेम, ओके, सो इक्वेटिंग क्या पावर्स, वी गेट क्या मिलेगा पावर्स को इक्वेट करते ही, अरे तो बहुत ही आसानी से मिल रहा है, m इज इक्वल टू 3। आप कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या आगे, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान था, बस आ गया आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो आपने इसमें देखा क्या, आपको अगर ये नहीं पता होता कि हमें इसको इस फॉर्म में भी लिखना है, कैसे कर पाते, ठीक है। ये हमने सोचा कैसे, हमने सोचा इस वजह से क्योंकि हमें पता था कि m आपका पावर में बैठा हुआ है, तो भाई जब पावर में बैठा हुआ है तो उसे किसी भी तरह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, पावर से उसको उतारने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसके बेसिस को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका। अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस की ओर। ओके अगेन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लगेगा खतरनाक बट है बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसे करते हैं, क्या है आपका ये, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें क्या बोल रहा है, आपको m की वैल्यू निकालनी है और आपका क्वेश्चन है दिस, ये आपका क्वेश्चन है m की वैल्यू निकालनी है। अब ये सोचो भाई यहाँ पे क्या, अभी तक तो तुमने प्रेफरेशन पिछला तोड़ लिया था, 343 तोड़ लिया, यहाँ कैसे तोड़े, 1 को तो तोड़ ही ना पाओगे, 1 को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, तो क्या करें। हाँ अब हम दिमाग लगाए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसा क्या लिखते, अगर हम यहाँ पे लिख दें 2 का पावर m-3 है, अगर हम यहाँ पे लिख दें आपका किस फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसे लिख दूं 2 का पावर 0 तो कुछ गलत है क्या, नहीं जी, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 का पावर 0 होता है 1, इट मीन्स हम किसी भी नंबर के पावर अगर 0 लिखेंगे तभी वो 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, तो हमने इसी वजह से 1 को चेंज किया, क्या कर दिया हमने लिख दिया, तो 2 का पावर 0 भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुमने 1 को रिप्लेस कर दिया 2 का पावर 0 से। ये क्यों किया, ताकि हम बेसिस को सेम करके पावर्स इक्वेट कर, ठीक है, हम क्या लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स, तो ऑन इक्वेटिंग पावर्स वी गेट क्या मिल जाएगा, जैसे पावर्स इक्वेट करोगे आप m-3 = 0 और m = ये -3 है उस साइड जाएगा तो +3, ठीक है, आपका आंसर आ गया खत्म। कुछ था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसमें ना ये कंफ्यूज करने के लिए बन दिया हुआ है खाली, ठीक है। अब अगर आपको लॉ के अकॉर्डिंग पता था कोई तो मतलब आप तुरंत कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब हमें इसमें इसकी वैल्यूज निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, हमने पढ़ा क्वेश्चन पहले, द वैल्यू ऑफ 3/5 ठीक है, 3/5 का पावर 4 डिवाइड 3/5 का पावर 2 इज, ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। पहले हम समझते क्या है, यहाँ पे लिखा है 3/5 का पावर 3। हाँ अब समझिएगा ये क्वेश्चन को करने के तरीके, देखिए आप अगर जल्दीबाजी में करेंगे तो आप पहले इन दोनों पे लॉ लगा देंगे, कैसे, मल्टीप्लीकेशन है, बेसिस सेम है, आपने पटाख से पावर्स को कर दिया ऐड, तो क्या आ गया 3/5 का पावर 7, और तब आप इस पे करोगे, क्योंकि गलत होगा, ठीक है, गलत होगा, क्यों गलत होगा, दिख तो आपको सही रहा होगा, क्योंकि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या समझते हैं, हमने पढ़ा हुआ है बचपन में भी, पहले भी पढ़ा होगा, इसमें समझते हैं कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है अगर दिया है तो, फिर ऑफ, फिर डिवीजन साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ आपको पहले क्या दिख रहा है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवीजन सॉल्व ना, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, इसीलिए हम इसे इधर नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तब उसे इधर सॉल्व करेंगे, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज पहले लिखते हैं,
बाई फाइव का पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री बाई फाइव का पावर फोर डिवाइड थ्री बाई फाइव का पावर टू। अब इसे करने से हम क्या समझा, आपने लॉ एक पढ़ा ही है ऑलरेडी, क्या पढ़ा है लॉ, कि अगर आपका a का पावर m है और डिवीजन में है a का पावर m, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m माइनस n। बेसिस सेम है, डिवीजन साइन में है तो पावर्स माइनस होती हैं, बेसिस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड। यहाँ क्या लग रहा है, डिवीजन बेसिस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे इजीली लिख सकते हैं थ्री बाई फाइव का पावर थ्री मल्टीप्लिकेशन थ्री बाई फाइव, और देखिएगा डिवीजन है m माइनस n, क्या आ गया 4 माइनस टू, हमने इसमें सीधे ही लॉ लगा दिया। अब समझिएगा, अब यहाँ पे क्या आया 3 बाई फाइव को एज इट इज रहने दीजिए और ये 3, और यहाँ जब आप करोगे क्या जाएगा मल्टीप्लाई 3 बाई फाइव का पावर 2, क्योंकि 4 माइनस टू 2 होता है। अब बताइए अब कितना आसान हो गया, अभी आपने तो ये भी तो लॉ पढ़ा है कि अगर a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n तो क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n, बस फट से लगा लीजिए 3 बाई फाइव का पावर थ्री प्लस टू, कितना आ गया थ्री बाई फाइव का पावर फाइव, बस ये आपका हो गया आंसर। अब ऑप्शंस मैच कर लीजिए थ्री बाई फाइव का पावर फाइव, यही हो गया आपका आंसर, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो सबको समझ में आया होगा इसमें मैंने क्या करा, मैंने पहले इसको सॉल्व किया ना कि इसको किया, इसको अगर हम करते चलिए एक बार वर्बल करके देखते हैं, इसको अगर हम पहले कर भी लेते तो हमारा क्या जाता हाँ 7 आता, एंड देन आपका पता है उससे आपको गलती होने के बहुत ज्यादा चांस, ठीक है। तो कभी भी ऐसे मत करिएगा, पहले इसको सॉल्व करिएगा फिर उसको करिएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी तो यहाँ को मान लीजिए आंसर मैच भी हो जाएगा, लेकिन इन केसेस मान लीजिए यहाँ पे अगर और डिवाइड दिया होता, और डिवाइड दिया होता, डिवाइड थ्री बाई फाइव दिस दिस दिस, तो ऐसे नहीं करते, आपको एक साथ करना होता, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 evaluate, ठीक है, यहाँ पे हमें evaluation करना है, मतलब उसे solve ही करना है, कैसे करना है समझते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है a part, हम पहले a part को देखते हैं क्या है, 4 by 3 power minus 1 minus 1 by 4 power minus 1 and then whole bracket minus 1, इसमें आपको clearly दिख रहा होगा ना law तो अभी लग नहीं रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे negative sign है। तो हम क्या देखते हैं, हम किसी भी तरह सबसे पहले इसको positive करते हैं, सारे powers को positive करिए, तो क्या करेंगे इसे हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं 3 बाई 4 लिख दिया और पावर 1 ही है, लिख दीजिए पावर 1 लिखना है तो, देन माइनस और यहाँ पे क्या लिखते हैं 4 का पावर माइनस 1 सॉरी, देन यहाँ पे माइनस 1 लगा हुआ। अब क्या करेंगे, हमें पता ही क्या लिखा है 3 बाई 4 माइनस 4 होल ब्रैकेट लगा के माइनस 1। अब अगर हम इसे ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे 3 और यहाँ पे हमने ऐसे लिया 4 जैसे आया तो 4 4 16 एंड देन अपॉन 4, आपको पता होगा कि मैंने अपने रेशियो नंबर के लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका है, अगर किसी भी नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो और उसमें डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो हम क्या करते हैं, उसका ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके रेशियो नंबर के लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। अगेन अब हम यहाँ पे आते हैं 3 है माइनस 16 में क्या आ गया माइनस 13/4 का होल पावर माइनस 1, और आपको पता है हमें पावर नेगेटिव में तो देना नहीं होता, हम ऐसे करेंगे पॉजिटिव, तो क्या कर देंगे माइनस 4 अपॉन, यही आपका आ जाएगा आंसर। ये नेगेटिव साइन नहीं हटता, ध्यान रखिएगा ड्रॉप होता है पावर का नेगेटिव साइन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर, हम बी पार्ट भी देख रहे हैं, बी पार्ट में क्या है, ये है 3 का पावर माइनस 1, इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/3, इस बार उल्टा काम हुआ, ठीक है, माइनस 1 है हमने क्या कर दिया 1/3, समझ रहे होंगे आप, हमने ये रेसिप्रोकल फॉर्म में कर दिया, देन ये हो गया 1/4, और क्या लगा है यहाँ पे है ब्रैकेट में ही है 7/12 है, अब इस चलिए रहने दीजिए नेगेटिव में ही है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे मिलेंगे तो सॉल्व करना एडिशन करना है तो यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे कितना आ जाएगा 12, तो 4 को यहाँ सम करेंगे एंड 3 को यहाँ सम करेंगे, ठीक है, ऐसे से कर देंगे क्योंकि 3 में क्या मल्टीप्लाई कर देगी 12 4, तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12/7, क्यों, क्योंकि हमने इसको भी पावर पॉजिटिव कर दिया। अब समझिएगा ये हमारा आ गया 4 3 7 एंड देन 12 एंड देन 12 एंड देन 7, अब आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 7 12, कितना आ गया आपका आंसर आ गया 1, ठीक है, सब सब कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर क्या आ गया।
ठीक है, तो आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चंस कितने बड़े बड़े हैं और आंसर कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक्सपोनेंट लॉ नहीं पता होता तो आप इससे नेगेटिव साइन को नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो एक्सपोनेंट लॉ में सबसे मेन आपका ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव पावर कैसे करा जाता है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जब पी बाई क्यू फॉर्म में है और नेगेटिव एन है तो क्यू बाई पी कर देते हैं और पॉजिटिव एन कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से। इसी तरह अगर ये तो रेशनल फॉर्म में है, देखा जाए तो ये भी सारे नंबर रेशनल फॉर्म में ही है, बट बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते, वो सोचते पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 3/1 ही है, ये भी तो आके रेशनल फॉर्म में ही है, 3/1 है, तो क्या करोगे 1/3 खत्म हो। ठीक है वही चीज, बट इसे समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि a का पावर माइनस एन स्क्वायर टू अपॉन a का पावर n, ऐसे बता दिया जाता है। ठीक है, समझ रहा हूँ क्या बात, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिंप्लीफिकेशन। इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले समझते हैं सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। ए पार्ट अगर आप देखिए यहाँ पे लाइन वाइज करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ए पार्ट में आपने क्या देखा, 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 का पावर -2। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 का स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लीकेशन है और क्या है 5 का पावर -2, हम इसे जल्दी से पॉजिटिव कर लेते हैं तो क्या लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही रहेगा, इसे हम लिख देंगे 1/5 का पावर 2, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर और डिवाइड में है क्या 5 का पावर -2, ये डिवाइड में है। आप समझिएगा, हमने इसे लिख दिया 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो दिक्कत तो नहीं, मल्टीप्लीकेशन था। अब देखिए जब हम ब्रैकेट मान लीजिए ओपन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, अभी क्या हो गया 4 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अभी 5 का पावर 2 नीचे नेगेटिव में है, अगर हम इसे पॉजिटिव करना चाहें पावर तो क्या कर देंगे 5 का पावर 2 कर देंगे। इस बेसिस के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और आपका बच क्या रहा है, आपका बच रहा है 4 का पावर स्क्वायर 4 का स्क्वायर, चाहो तो सीधे लिख दो 4 का पावर 4, कैसे 2+2। ठीक है, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16 × 16, मतलब आंसर आ गया 256। ठीक है, आंसर आ चुका, बहुत ही आसान था। इसने भी देखिए हमने करा क्या, हमने बस नेगेटिव पॉजिटिव तो हम ये तोड़ना समझ गए, तो हम पार्ट से कर दिए। ठीक है, अब बी पार्ट पे आता है, बी पार्ट समझते हैं पहले क्या। बी पार्ट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका, 5x² डिवाइडेड बाई 15xy का होल स्क्वायर, कैसे लिखा है xy का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, मान लीजिए इसको पहले आप ऐसे डिवाइड लगा लीजिए, अब ये बताएंगे आप 15 है, अब आप खुद सोचिए 15 है xy है। ठीक है, अब देखिएगा xy का होल स्क्वायर का सेंस क्या हुआ, a × b का पावर m। तो हमने आपको बता चुका है लॉ के अकॉर्डिंग, अगर दो बेसिस पे सेम पावर होती है तो हम इसे ब्रेक करके क्या लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 5x² है और डिवाइड है, डिवाइड को चाहो तो आप इस तरह लगा लो, सेंस वही बनता है, ये क्या है 15 है और है x² और y². ठीक है, क्लियर हो रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या किया, बस इसको ओपन कर दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, x² कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 × 5, 5 × 3 = 15, आपका आंसर क्या जाएगा 1/3y². ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, क्या आ गया 1/3y, बस फिनिश। अब हम करते हैं आपका सी पार्ट, सी क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। सी क्वेश्चन, सी पार्ट में क्या लिखा है, 5 का पावर -1 है, डिवाइड करना है, 5 का पावर माइनस वन पहले देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/5 डिवाइड बाई 1/4, क्योंकि मैंने देखिए नेगेटिव मैं फटाफट नेगेटिव को ड्रॉप करती जा रही हूँ, अब क्या पावर यहाँ दिखेगा पॉजिटिव 3 ध्यान दीजिएगा, अभी क्या हो जाएगा 1/5 है, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए 1/4 है तो 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 का पावर 3, जो कि हो जाएगा 4×4=16, 64/125, क्योंकि आपने इसको 3 times कर दिया मल्टीप्लीकेशन, मिल गया बस आंसर आ गया, क्या हो गया 64/125। अब देख रहे होंगे सब में आपके लॉस का ही यूज है ना, बेसिकली सब में आपका लॉस का यूज होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट पार्ट की ओर, डी पार्ट।
डी पार्ट में एक बार देख लीजिए, पर मैं इसे सेपरेट सेपरेट कर देती हूँ वरना आपको ये क्लियर नहीं होगा कि लिखा गया ना, सब आपको मिक्सअप मिक्सअप लगेगा। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है डी पार्ट। डी पार्ट में देख लेते हैं क्या है, डिफरेंट पेंडेंस करते हैं। एट अपॉन 16 है, पावर माइनस वन है, क्या करें इसे पॉजिटिव करने के लिए फटाफट लिख लेते हैं 16 बाई 8, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा, यहाँ भी हम ऐसे कर लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 5 अपॉन 16, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और यहाँ क्या डिवाइड करना है, 4 बाई 5 माइनस 1 है, क्या लिखते हैं 5 बाई 4। आप समझिएगा आगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, 16 है 16 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 5 अपॉन 8, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 5 अपॉन 8, एंड देन आपका यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 अपॉन 8, एंड डिवाइड साइन में क्या है 5 अपॉन 4। तो आगे क्या करेंगे हम, 5 बाई 8 मल्टीप्लाई 4 बाई 5, क्योंकि डिवाइड हटाया मल्टीप्लाई करा रेसिप्रोकल कर दिया, 5 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 2 8, आंसर कितना आ गया आपका 1/2, आंसर कितना आ गया आपका 1/2। अब देख रहे होंगे आपने कितने इजीली तरीके से सारे क्वेश्चंस को समझा, ठीक है, सारे लॉज को यूज करते हुए आपने सारे क्वेश्चंस, अगर आपको लॉज नहीं आएंगे ना तो आप किसी भी कीमत पे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपका होगी ही क्वेश्चन पर आपकी प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, नेगेटिव पावर्स है, नेगेटिव को आपको पता है नेगेटिव को हटाने के लिए आपको उसको सबसे पहले करना पड़ेगा पॉजिटिव में कन्वर्ट, तभी आप उसे आराम से कर सकते। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप वीडियोस में जाके वीडियो प्लेलिस्ट में जाके उससे पहले सारे आप उसको देख लीजिएगा जितने मैंने लॉज बता रखे, ठीक है, तभी आप समझ पाओगे कि लॉज का यूज कैसे हम करें। ठीक है, ओके, तो आप चाहो तो आप इन सारे क्वेश्चंस का, मैं सारे क्वेश्चंस के, मैं सारे लेक्चर्स के पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देती हूँ, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इवेल्युएट करिएगा खुद को कि आप कितना सही कर पाए। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आप जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं कुछ क्वालिटी वाले क्वेश्चन बना रही हूँ एप्टीट्यूड रीजनिंग बेसिस पे, जिससे आप कुछ लर्निंग कर सकते हैं, एंड बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।